ये है राधा। सुबह की पहली किरण के साथ साथ राधा एक लोटा लिए चली खेतों के बीच शौच करने के लिए। क्योंकि घर में कोई शौचालय नहीं था तो गांव के सभी लोग खेत में ही आते थे खुले में शौच करने के लिए। राधा भी आ गई थी शौच करने के लिए और जाकर एक जगह खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखती है कि कोई नहीं है तो जाकर एक झाड़ी के पीछे बैठ जाती है शौच करने के लिए। शौच करने के बाद राधा अपने घर को लौट जाती है। राधा अपने घर की ओर लौट रही थी तभी रास्ते में उसकी माँ शांति से उसकी मुलाकात होती है। अरे माँ कहाँ जा रही हो? अरे राधा मैं शौच के लिए जा रही हूँ, लाओ लौटा मुझे दो और तेरे बापू अभी खेत में जाएंगे तो जरा नाश्ता वगैरह दे देना, देख ले मैं जल्दी से जाती हूँ और आती हूँ। ठीक है माँ तू जा मैं देख लेती हूँ बापू को। फिर राधा अपने घर की ओर चली जाती है। राधा घर आकर देखती है कि उसके बापू खटिया पर बैठे हुए हैं। अरे बेटी राधा जरा नाश्ता वगैरह पैक कर दे मुझे खेत पर जाना है, देरी हो रही है और देख तेरी माँ भी अभी चली गई। अरे बापू मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना के देती हूँ, दो मिनट रुको अभी लेके आई। फिर राधा दूसरे कमरे में जाती है और वहाँ से नाश्ता पैक करके लेकर आती है। अरे बापू ये लो नाश्ता। अरे ठीक है बेटी अब मैं चलता हूँ नहीं तो देर हो जाएगी। राधा के बापू फिर खेत के लिए निकल जाते हैं। कुछ महीने बाद राधा की शादी रोशन के साथ हो जाती है। रोशन एक अच्छा लड़का है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था और राधा भी देखने में काफी अच्छी थी इसीलिए उन दोनों की जोड़ी बन जाती है। आज है राधा की सुहागरात। अरे राधा जरा घूंघट तो हटाओ, देखने तो दो तुम्हारा चेहरा, इस घूंघट के पीछे मेरी बीवी कितनी सुंदर लगती है वो तो देखूं। अरे घूंघट आप ही हटा लो मैं क्यों हटाऊं। फिर रोशन राधा का घूंघट हटा देता है। राधा थोड़ी सी शर्मा जाती है। अरे राधा तुम तो वाकई में काफी खूबसूरत लगती हो, ऐसे क्यों शर्मा रही हो, मेरे सामने ऐसे शर्माओगी तो कैसे चलेगा। अरे छोड़िए ना धीरे धीरे शर्म दूर हो जाएगी। राधा एक ही दिन आकर सबका दिल जीत ली थी अपने बातों से। अरे बेटा रोशन मेरी बहू बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है। हाँ माँ वो तो है, वो बहुत अच्छी है, वो हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। रोशन और उसकी माँ बातें कर ही रहे थे कि राधा वहाँ पहुँच जाती है चाय लेकर। चाय चाय गरम चाय गरम चाय, माँ जी चाय आ गया चाय पी लीजिए। अरे आओ आओ बहू तुम्हारी बातें कर रहे थे हम लोग अभी, यहाँ रख दो और यहाँ आओ मेरे बगल में बैठो। राधा अपनी सास के बगल में जाकर बैठ जाती है तभी रोशन कहता है। अरे माँ तुम लोग दोनों बातें करो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ हाँ बिटवा ठीक है तू जा हम लोग बातें करते हैं। रोशन ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर सास बहू दोनों बातें करते हैं। अरे माँ जी मैं नहा लेती हूँ जल्दी से, नहा के पूजा कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटी जा नहा ले तू। राधा नहाने के लिए वॉशरूम की ओर चली जाती है। राधा वॉशरूम आ जाती है। राधा को काफी जोरों की शौच लगी थी, वो शौच करने के लिए टॉयलेट सीट पर बैठती है। अरे मैं इसमें शौच कैसे करूँ, मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो खुले में करती हूँ यहाँ कैसे करूँ। काफी देर तक प्रयत्न करने के बाद भी राधा का शौच नहीं होता है, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती है टॉयलेट सीट में इसीलिए उसका शौच नहीं होता है। और फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वॉशरूम से निकल जाती है। दूसरी सुबह रोशन ऑफिस जाने के लिए तैयार था तभी राधा रोशन का ऑफिस बैग लेकर आती है। ये लीजिए आपका ऑफिस बैग। अरे थैंक यू राधा, ठीक है मैं चलता हूँ ऑफिस, अपना ध्यान रखना और कोई जरूरत हो तो फोन करना। ठीक है जी। रोशन ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर राधा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, दो दिन हो चुके थे राधा अभी तक शौच नहीं गई थी। अरे अब मैं क्या करूँ मेरा शौच यहाँ नहीं हो रहा है और मेरा पेट में भी काफी दुख रहा है, अब मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ या खुले में कहाँ करूँ। एक काम करती हूँ घर से बाहर निकलती हूँ और देखती हूँ कहीं खुली जगह मिल गई तो वहाँ शौच करके आ जाऊंगी। फिर राधा घर से निकल जाती है। राधा घर से निकल तो जाती है लेकिन शौच करने के लिए खुली जगह उसे कहीं नहीं मिलता है। अरे
अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो खुली जगह है ही नहीं, चारों तरफ घर बना हुआ है। एक काम करती हूँ, थोड़ी सी आगे और जाती हूँ। राधा धीरे धीरे। अरे यहाँ भी तो चारों तरफ खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग बना हुआ है, कहीं भी खुली जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? और थोड़ी सी आगे जाके देखती हूँ अगर कोई जगह मिल गई तो। आह मेरे पेट में भी काफी दर्द हो रहा है अब। राधा चलते चलते एक जगह पहुँचती है जहाँ उसे लगता है यहाँ शौच करना सही रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे ये जगह ठीक है, यहाँ अगर मैं इस तालाब के अंदर शौच कर देती हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। स्विमिंग पूल में दो तीन लड़कियाँ उतर कर खेल रही थी और आपस में बातें कर रही थी, तभी राधा उस स्विमिंग पूल में आ जाती है तालाब समझकर और स्विमिंग पूल में उतर जाती है। मुझे लगता है यही सही जगह है, यही शौच कर देती हूँ मैं। अरे तुम लोग क्या कर रही हो, नहीं खेलोगी क्या? बैठ गई तुम भी? अरे नहीं नहीं, आती हूँ अभी, एक मिनट रुक। अरे ये कौन है और कहाँ से आ गई सारी पहन के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने? राधा उन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, अपने काम में लगी हुई थी। फिर राधा उस स्विमिंग पूल में शौच कर देती है और जैसे ही शौच करती है शौच पानी के ऊपर आ जाता है। ये देख दोनों लड़कियाँ चिल्लाने लगती है, अरे जी 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 ये क्या कर दी तुम यहाँ, जी 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 निकलो यहाँ से बाहर, जी 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 मैं निकल रही हूँ, चोर भाग जी। राधा को उन सब की बातें सुनकर काफी गिल्टी फील होता है, काफी शर्म आ जाती है। वो जल्दी से स्विमिंग पूल से उठकर वहाँ से भाग जाती है। राधा को उस दिन काफी खराब लगा था जिस वजह से वो शौच करना बंद कर दी थी। और दो दिन बीत जाते हैं ऐसे ही। एक रोज राधा के पेट में काफी दर्द होता है, रोशन ऑफिस जाने वाला होता है। वो राधा की ऐसी स्थिति देखकर तुरंत राधा के पास जाकर पूछता है, अरे राधा राधा क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या? राधा शर्म से कुछ बोल नहीं पाती है और अचानक से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। रोशन तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। डॉक्टर राधा को अच्छी तरह से चेक करते हैं और कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ है राधा को? अरे आपकी बीबी शौच नहीं कर करके ये हालत हो गई है, उसे कमोड में शौच करने में दिक्कत होती है, इसलिए घर पर एक इंडियन शौचालय बना लीजिए और इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अब से इसका ध्यान रखूंगा। रोशन राधा को लेकर वहाँ से घर आ जाता है। रोशन राधा के लिए एक इंडियन टॉयलेट बना देता है जिससे अब राधा को और कोई दिक्कत नहीं होती है शौच करने में। राधा अब खुशी खुशी रहने लगी थी सबके साथ।